पंजाब के अमृतसर से कटरा जाने के दौरान जम्मू के झज्जर कोटली इलाके में एक बस पुल से 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में बिहार के 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हो गए। सभी बिहार के लखीसराय से बच्चे के मुंडन के लिए वैष्णो देवी जा रहे थे। ये सभी लोग अमृतसर में मिस्त्री और लेबर का काम करते हैं और सभी परिवार एक साथ अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए निकले थे। एसएसपी चंदन कोहली ने बताया कि बस में सीमा से अधिक यात्री सवार थे। श्रद्धालुओं से खचाखच भरी ये बस झज्जर कोटली इलाके में एक पुल से 50 फीट नीचे खाई में गिर गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। मौके पर रेस्क्यू के लिए स्थानीय थाना की पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, एसडीआरएफ समेत अन्य टीमें पहुंची और श्रद्धालुओं को बस से निकालना शुरू किया। एसएसपी ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कोई बाइक देने का जरूरत थोड़ी है। जो जितने भी लोग घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है, उनको पूरी मदद की जा रही है। अब ये सब डिटेल्स जरूरी नहीं है ना, एक एक्सीडेंट के केस में ये डिटेल्स जरूरी नहीं। कारण तो लगता है कि अब क्योंकि रात को ड्राइविंग करके आदमी आता है तो कभी ह्यूमन एरर का ही ज़्यादा शक लगता है इसमें, और कहीं नींद वींद का झोंका सुबह के टाइम पे उस तरह का सीन हो सकता है जो रहा हो। दूसरा, जो कलवर जहाँ से रेज्ड रोड है, काफ़ी हाई फ्लाईओवर तरह की रोड है जहाँ से जो नीचे गिरी है बस, तो वो भी लगता है कि स्पीड भी ज़्यादा हो सकती है कहीं, मगर ये चीज़ें तो अभी इन मटेरियल और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। मगर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि काफ़ी लोगों की जान इसमें गई है और बड़ा ख़तरनाक फैटल एक्सीडेंट रहा, जिसमें अच्छी बात है कि लोग ज़्यादा दूर नहीं थे, हॉस्पिटल जल्दी पहुंचे हैं, हॉस्पिटल में केयर बहुत अच्छी मिली है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो इस वक्त हैं वो एकदम अंडर ट्रीटमेंट हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। दो तीन जो क्रिटिकल लोग हैं उनको भी बड़ा अच्छा ख्याल किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो लोग हॉस्पिटल तक ठीक पहुंचे हैं वो सही सलामत जहां से डिस्चार्ज होंगे। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की जान गई है, हम लोग उन परिवारों के साथ अपनी हमदर्दी पेश करते हैं और हम लोग अपनी तरफ से जो भी ज़रूरत है मदद करने की, बाकी चीज़ें की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर है, पुलिस के सब लोग जहाँ पर हैं, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन इसको अच्छे से देख रही है, हम लोग बेस्ट पॉसिबल केयर इनको देने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले हैं, वहाँ से हम लोग आए थे माता वैष्णो दर्शन के लिए और वही कटरा पहुँचने ही वाले थे कि ये हादसा हो गया, बस खाई गई। तो कब निकले थे अमृतसर से? अमृतसर से हम लोग रात को 10 बजे निकले थे कल। तो कितने जख्मी हुए, कितने आपके लगभग? 3-4 बंदे तो ऑन द स्पॉट जो डेथ हो गए, तो बाकी जख्मी सारे बंदे ने, कुछ बंदे जड़े है गया उन्ना का ही ठीक ठाक ने, बाकी लगभग बंदे हुआ क्या कुछ नहीं पता लगा। वीर जी अपा गाड़ी की स्पीड तेज थी वो, मतलब एकदम अचानक जो बीच में होती है उससे खड़खड़ाने की आवाज़ आई, शीशा टूटने लगा और हमने अपनी आंखों से देखा कि बस खाई में जा रही है। इस करके हम लोग सोचे कि अब बचना मुश्किल है।